नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर एक्सपर्ट। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच पहले से ही कई विवाद चल रहे थे, इसके बीच अब ट्विटर ने एक और विवाद को हवा दे दी है। ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी की है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है। सरकार की ओर से इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार इसके खिलाफ ट्विटर को नोटिस जारी करेगी, तो वहीं सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर ट्विटर के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकती है। ट्विटर की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें जो तस्वीरें छापी गई हैं उसमें भारत के नक्शे को अलग ही उभारा गया है। इसके अलावा कई और देशों के नक्शे को भी उभारा गया है, लेकिन उनमें किसी तरह की छेड़खानी नहीं की गई है, लेकिन भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी की गई है। भारत के नक्शे में भारत का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को अलग देश दिखा दिया गया है। ट्विटर की इस हरकत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसे लेकर तमाम तथ्य जुटा रही है, जैसे इस नक्शे में कब बदलाव किए गए, यह नक्शा कब वेबसाइट पर डाला गया, इसके साथ ही नक्शे के बदलाव के पीछे मंशा क्या है, कौन लोग हैं जिन्होंने ट्विटर को यह नक्शा उपलब्ध करवाया और किन लोगों ने ट्विटर पर यह नक्शा अपलोड करवाया, सरकार इन सभी पहलुओं को लेकर जानकारी जुटा रही है। जल्द ही सरकार ट्विटर को नोटिस जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में बड़ा एक्शन ले सकती है। बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब ट्विटर की तरफ से ऐसी हरकत की गई है। इससे पहले 12 नवंबर को भी ऐसा ही किया था। उस वक्त लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया था। उस सरकार की ओर कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर ने लिखित तौर पर माफ़ी मांगी थी। इस लिखित माफ़ी में ट्विटर ने कहा था कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद 7 महीने के अंदर ही ट्विटर की ओर से फिर ऐसा कदम उठाया गया है। नए आईटी कानूनों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी चल रही है। इस बीच ट्विटर ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया जिससे सरकार की त्योरियां चढ़ना तय है। दरअसल ट्विटर ने भारत में अपने अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफे के बाद अमेरिका कर्मचारी जेरेमी केसिल को नया शिकायत अधिकारी बनाया है। बता दें, नए आईटी कानूनों के मुताबिक शिकायत अधिकारी भारतीय ही होना चाहिए। नए आईटी कानूनों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी चल रही है। इस बीच ट्विटर ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जिससे सरकार की त्योरियां चढ़ना तय है। दरअसल ट्विटर ने भारत में अपने अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफे के बाद अमेरिका कर्मचारी जेरेमी केसिल को नया शिकायत अधिकारी बनाया है। बता दें, नए आईटी कानूनों के मुताबिक शिकायत अधिकारी भारतीय ही होना चाहिए। ट्विटर के इस कदम पर अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।